नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम आपको लाते हैं महत्वपूर्ण कानूनी फैसले की जानकारी जो आपके जीवन पे गहरा प्रभाव डालते हैं। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा महत्वपूर्ण फैसला जो कि अगस्त के महीने में आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। यह कहानी एक पिता की है जिसने कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने पिता यानी कि अपने पिता और पत्नी को खो दिया। इस दुखद समय में उन्होंने अपनी छोटी बेटी की देखभाल के लिए अपनी साली को अस्थायी रूप से कस्टडी दी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा शादी की तो बेटी की कस्टडी वापस लेने की कोशिश की तो उनकी साली ने मना कर दिया। पहले इस पिता ने गार्जियन एंड वॉर्स एक्ट के तहत एक मामला दायर किया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस की याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें परिवार का अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। निराश होकर उन्होंने अंततः सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से लिया और 16 अप्रैल 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि बेटी की जो कस्टडी का अधिकार पिता के पास होना चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि पिता एकमात्र जीवित जैविक अभिभावक है और उनकी बेटी भले ही उन्हें उनकी उसकी देखभाल करनी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि पिता अब दोबारा शादी कर चुके हैं और उनकी पत्नी बेटी की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके साथ ही कोर्ट ने साली को निर्देश दिया कि वह बच्चे की कस्टडी तुरंत पिता को सौंप दे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि साली को सप्ताह में एक बार बच्ची से मिलने का अधिकार होगा। इस फैसले का महत्व यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चे की भलाई सर्वोपरि है और यह एक प्राकृतिक अभिभावक है, चाहे वह पिता हो या माँ, और उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन सभी माता पिता के लिए एक मिसाल है जो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी मामले में वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।